तो हेलो दोस्तों, अगर आपने पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि डार्लिंग को पता चल जाता है कि मिस यून अब स्टार एकेडमी वापस जाने वाली हैं, जिसके बाद वो भी स्टार एकेडमी ज्वाइन करने का सोच लेता है। जैसे ही वो घर जा रहा था तभी वहाँ पर जुनपी, वांगलिंग और बायू आ जाते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके डार्लिंग अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वो घर पहुँचता है तो उसके फादर उसे कई सारे ब्लू स्टोन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें भी अब स्टार एकेडमी ज्वाइन कर लेना चाहिए। और अब इस एपिसोड में हम ट्रेजर हाउस में डार्लिंग और मिस यून को साथ में देखते हैं, जहाँ डार्लिंग मिस यून से पूछता है क्या हम ट्यूंगजू सिटी नहीं जा रहे और आखिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर मिस यून कहती है कि किंगशू सिटी यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए हम ट्रेजर हाउस में वॉइड एरे फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे, इससे हमारा समय काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। जिस पर डार्लिंग कहता है कि क्या वॉइड एरे हम सभी को एक साथ एक सिटी से दूसरी सिटी में पहुंचा सकता है। तभी वहां एल्डर चैन आकर कहते हैं कि हाँ, ये हो सकता है, यहां का टेलीपोर्टेशन एरे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर मिस यून एल्डर चैन को कुछ पैसे देती हैं, जिसके बाद एल्डर चैन भी उस वॉइड एरे को एक्टिवेट करवा देते हैं। जिसके बाद एल्डर चैन कहते हैं कि मास्टर डार्लिंग, आप अपने टेस्ट में अच्छा स्कोर जरूर करेंगे, मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। जिस पर डार्लिंग भी उन्हें थैंक्स कहता है, लेकिन डार्लिंग के पास खड़े लोग बात करने लगते हैं कि तुमने सुना कि एल्डर चैन इस आलसी लड़के को कितने ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तभी उसके पास वाला एक लड़का कहता है कि जरा धीरे से बोलो, अब ये पहले जैसा डार्लिंग नहीं रहा, इसने वांगलिंग को सबके सामने हराया है और इसी वजह से के मारे यहाँ पर नहीं आया। दूसरी तरफ मिस यून डार्लिंग से कहती है कि तुम्हें कल्टिवेशन के लिए कुछ पिल्स खरीद लेनी चाहिए। जिस पर डार्लिंग कहता है कि मैंने पहले ही कुछ स्टोन देकर कई सारी पिल्स खरीद ली हैं और अब मैं हाल्फ स्टेज में आ गया हूँ। इसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर उसी सिटी में पहुँच जाते हैं, जहाँ मिस यून कहती हैं कि इस सिटी के अंदर सभी बड़े बड़े क्लैंस मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस सिटी की पावर और सिटी से कई ज़्यादा है। दूसरे शब्दों में कहे तो ये किंगजू सिटी का हार्ट है। तभी वो लोग एक फायर स्पिरिट बीस्ट को देखते हैं जो कि सोल रिथम स्टेज के पहले लेवल पर था, लेकिन डार्लिंग उसे देखकर हैरान हो गया था क्योंकि ये एक एंशिएंट बर्ड था जिसके बारे में किताबों में भी लिखा है। तभी वहाँ से दो लोग जाने लगते हैं जो बहुत ही स्ट्रांग लग रहे थे। फिर मिस यून उन्हें बताती है ये ज्वानिन है जो मार्शल किंग के नाम से भी फेमस है, और इसके साथ जो बड़ा आदमी है वो इसका सर्वेंट है जो कि अभी हाल्फ स्टेप ऑफ सोल रिथम पर है, और कोई भी यहाँ का बंदा इन्हें नाराज नहीं कर सकता। फिर मार्शल किंग अपने सर्वेंट से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि यहाँ इस साल बहुत सारे कछुए आए हैं, जो सुनकर डार्लिंग को गुस्सा आता है। पर मिस यून उसे रोक देती हैं और कहती है कि हमें जल्दी करनी चाहिए, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन वाली जगह को देखते हैं, जहां मिस यून डार्लिंग को कहती है कि मैं तुम्हारी रजिस्ट्रेशन करवा के आती हूं, तुम अभी प्रैक्टिस करो। पर डार्लिंग जैसे ही प्रैक्टिस करने बैठता है वो सोने लगता है, जो देख कर वहाँ खड़े लोग हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ एक मास्टर अपना ऑरा रिलीज करते हैं, जिस वजह से सभी के सभी नीचे गिर जाते हैं। पर डार्लिंग नींद में होने के कारण उसकी नींद वहीं टूट जाती है और वो खड़ा हो जाता है। फिर वो मास्टर कहते हैं जो भी अभी तक खड़े हैं वो सभी पास हो गए और बाकी के डिस्क्वालीफाई, जो देखकर डार्लिंग सोच रहा था भाई टेस्ट कब स्टार्ट हो गया, मैं तो सो रहा था। फिर हम उन मास्टर के पास मिस यून को देखते हैं, वो मास्टर कहते हैं कि तुम्हारा डिसाइपल इतना भी बुरा नहीं है, इस बार स्टार एकेडमी को कुछ अच्छे डिसाइपल्स मिल ही जाएंगे। जिस पर मिस यून कहती हैं लेकिन वो प्रैक्टिस के दौरान ही सो जाता है। जिसके बाद वो मास्टर नीचे डार्लिंग की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ डार्लिंग के सामने जुनफी आकर कहता है कि कमीने मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पिछली बार तो तुम भाग गए लेकिन इस बार तुम नहीं बच पाओगे। जिसके बाद वो दोनों फाइट ही करने वाले थे, लेकिन मास्टर तभी अनाउंस कर देते हैं कि एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए तुम्हें एक ट्रायल देना होगा और उस ट्रायल के अंदर जाने के लिए तुम्हें टोकन दिए जा रहे हैं। इस ट्रायल में टॉप 3 आने वालों को प्राइज भी दिया जाएगा। जिसके बाद डार्लिंग वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां हम दो लोगों को देखते हैं जो कि डार्लिंग को लूटने की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो डार्लिंग की शक्ल देखते हैं वो पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये तो वही लड़का है जिसने एल्डर सन की ऑरा प्रेशर को झेल लिया था। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, पर डार्लिंग उन्हें भागने नहीं देता और उन्हें पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उनसे उनका टोकन ले लेता है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद हम डार्लिंग को देखते हैं जो कि एक नाटक करने लगता है। तभी उसके जाल में 4 लोग फंस जाते हैं और उनमें से एक आदमी आगे बढ़कर डार्लिंग से उसका टोकन मांगने लगता है, पर डार्लिंग उस पर अटैक करके उसे पीछे हटा देता है, जो देखकर दो लोग उस पर हमला करने आते हैं, लेकिन डार्लिंग अपने स्पिरिट बीस्ट से उन दोनों को ही दूर फेंक देता है।
फिर जो आखिरी में बचा बंदा होता है वो अपनी सॉर्ड से डाउलिंग पर अटैक करता है, लेकिन डाउलिंग उसके सभी सॉर्ड अटैक से बचता जा रहा था, जिसके बाद वो उसे भी हरा देता है और उन सभी के टोकन ले लेता है। दूसरी तरफ हम जुन्फी और बायू को देखते हैं जो कुछ लोगों के साथ बात करते हैं कि यहाँ पर एक लुटेरा घूम रहा है, तुम्हें उसे पकड़ना होगा। फिर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बायू जुन्फी के पास जाकर कहने लगती है कि भाई मुझे अपने साथ रख लो, मैं तुम्हारे उस रॉबर को पकड़ने में हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन जुन्फी उसे अपने से दूर हटाकर कहता है कि अगर मुझे डाउलिंग को नहीं ढूंढना होता तो मैं तुम्हें कब का ख़त्म कर देता। फिर हम डाउलिंग को देखते हैं जिसके सामने बायू आ जाती है, पर बायू तुरंत ही वहाँ से भागने लगती है, जो देखकर डाउलिंग उस पर अटैक करता है। पर तब तक बायू ने अपने साथियों को सिग्नल दे दिया था। फिर बायू बोलती है कि डाउलिंग मैंने ये सब कुछ वांगलिंग और जुन्फी के दबाव में आकर किया था, मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था। जिस पर डाउलिंग कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारा तो बस यही इरादा था कि तुम कैसे भी करके वो चीज़ मुझसे चुरा लो। जिस पर बायू रोने लगती है और कहती है कि नहीं डाउलिंग, मुझे उन लोगों ने बहुत बुली किया है, मैं तो बस जल्द से जल्द स्ट्रांग बनना चाहती थी। जिस पर डाउलिंग कहता है पर तुमने स्ट्रांग बनने के लिए एक गलत रास्ता चुना था। फिर बायू कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ बनने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन वो उसकी चाल होती है, धीरे से अपना खंजर निकालकर डाउलिंग पर अटैक कर देती है, लेकिन डाउलिंग उसके खंजर को उसके पेट में ही घुसेड़ देता है। जिसके बाद बायू कहने लगती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा निर्दयी हो, तुम्हें एक औरत पर तरस नहीं आया। फिर डाउलिंग कहता है भूलो मत, तुमने ही सबसे पहले मुझ पर अटैक किया था। जिसके बाद बायू वहीं मर जाती है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। इसके आगे के एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।